एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और बेटा की बहुत ही बालक बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की ये पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मन्नत तुम मांगनो को नहीं आवा। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहु ने पूछ ले। जद वह अपना बेटा ना पूछी तो बेटे बोलो कि माँ धन मांग ले। बहु ने पूछी तो माँ बोली कि सासू जी पुत तो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों अपना मतलब की मांगे हैं। सो पड़ोसन ना जाके पूछा। पड़ोसन ना जाके बोली कि गणेश जी मन ने कह कि कुछ मांग ले। सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि राम मारी क्यों तो धन मांगे क्यों पुतो मांगे। थोड़ा दिन जीवेगी सो दीता घोड़ा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोचू कि बेटा घोड़ा जी हो मजे की भी मांगने चाहिए अपने मतलब की भी मांगने चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आया बोले कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोले कि दीता घोड़ा दे दे। सोने के कटोरे में पुत ने दूध पीता देखा अमर सुहाग दे दे। निरोगी काया दे दे। भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे दे मोच दे दे। गणेश जी बोला कि बुढ़िया माई तू माना ठग लिया सब कुछ मांग लियो पर ठीक है तेरे अहिया ही हो जासी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई के सब कुछ भैया ही हो गो। हे गणेश जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ना दियो उसो सबने दियो कहता।